आज मैंने डिसाइड किया कि मेरे घर की जितनी भी वॉल्स हैं उनपे जो पपड़ी जम रही है या सीलन आ रही है उनको मुझे सही करना है। तो इसके लिए मैं उठा के लाई सारे पेंट्स के डब्बे जो कि ऊपर वाले पोर्शन में पीछे की तरफ रखे हुए हैं, काफी गंदे भी हो गए हैं क्योंकि पीछे वाले पोर्शन का आजकल मैं मेकओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उसे इग्नोर करिएगा। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर भी करने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं अपनी घर की वॉल्स को मेंटेन करती हूँ, किस तरह से इन पेंट्स को मैं स्टोर करके रखती हूँ और ये मेरे हमेशा ही काम में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब कभी भी घर में पेंट हो तो थोड़ा सा पेंट बचा के जरूर रखिए। तो ये पेंटर से छुपा के पहले ही रख लीजिए। मेरे जैसे अभी बाहर के पोर्शन में ग्रे कलर हुआ था और 2 साल पहले घर के अंदर जो कलर हुआ था वो कलर भी मैंने अभी तक बचा के रख रखे हैं। और जब कभी भी आप इन्हें रखें तो इन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए या जो पेंट्स के डब्बे होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से बंद करके रखिए। तो 2 साल पुराने पेंट्स भी देखिए इस तरह से मैंने स्टोर करके रख रखे हैं और अब मैंने इन्हें किचन के अपने पुराने प्लास्टिक के डब्बों में रख लिया है और ये हमेशा ही काम में आते हैं, क्योंकि अगर आप एयर टाइट कंटेनर्स में नहीं रखोगे तो इस तरह से देखिए पेंट सूख जाता है। ये कंटेनर में वैसे तो एयर टाइट ही था लेकिन किसी ने इसे खोल दिया होगा तो पूरा कलर जो है जम गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला के मैं थोड़ा सा इसका कलर छान के ले लूंगी ताकि कभी भी मैं इसे व्हाइट कलर में मिला के लाइट पिंक कलर बना सकूं। तो याद रखिए, हमेशा एयरटाइट कंटेनर्स में ही हमें पेंट्स को रखना है और हमेशा बचे हुए पेंट्स रखने हैं। इसके बाद जब कभी भी आप कलर्स को रखें, जिन भी डब्बों में रखें, कंटेनर्स के ऊपर आप कलर कोड जरूर डालिए, क्योंकि जब कभी भी नया कलर खरीदना होगा तो कलर कोड ही हमारी हेल्प करता है। तो सारे डब्बों पे डालिए कलर का कलर कोड। उसके बाद देखिए एक चीज और है, जब कभी भी आप पेंट्स को यूज करें तो डब्बों को खोल के अच्छी तरह से हिलाकर देख लीजिए, खासकर तब जब आपने कलर कोड नहीं डाला हो। जैसे इन बड़े कंटेनर्स में मैंने कोई भी कलर कोड नहीं डाला और देखिए जब भी मैंने खोलती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये लाइट ब्राउन कलर है क्योंकि ऊपर की लॉबी में लाइट ब्राउन कलर हो रहा है, लेकिन जब मैंने इसको आज चलाकर देखा तो ये व्हाइट कलर था। और अभी जब मैंने बाहर अपना पेंट करवाया था तो मैंने व्हाइट कलर मंगवाया था। तो ये गलती मेरे से हो गई है, आप बिल्कुल मत करिएगा, हमेशा कलर कोड डालिए। और अगर कलर कोड नहीं है तो उसे एक बार चलाकर हिलाकर अच्छी तरह से देख लीजिए कि वो कलर कौन सा है। और हमेशा अपने घर में रखिए व्हाइट कलर। कलर कभी भी खराब नहीं होते हैं अगर वो एयर टाइट कंटेनर में रखें। और व्हाइट कलर में तो अगर हम कोई और जैसे कलर स्टेनर्स आती हैं हम मिला लें तो कोई भी कलर हम बना सकते हैं। तो व्हाइट कलर तो हर घर के लिए हमेशा रखना टचअप्स के लिए मस्ट हैव ही है। इसके अलावा जो ब्रशेज हैं उनको हमें क्लीन करके रखना है तो वो बहुत चलती हैं। जैसे खासकर जो ऑयल पेंट की ब्रशेज होती हैं इनको साफ करने के लिए यूज करिए तारपीन का तेल। ये तारपीन के तेल से ही साफ होती हैं। तो जब कभी भी जैसे आप पेंट कर रहे हो तो एक छोटे कंटेनर में तारपीन का तेल भर के रख लीजिए और थोड़ी देर के लिए भी अगर आपको ब्रश को छोड़ना है तो इसी ऑयल में छोड़िए। और इसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि फाइनली जब आप अपना पेंट का काम ख़त्म कर दें तो अच्छी तरह से इन्हें तारपीन के तेल से वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो आगे की ब्रिसल्स वगैरह हैं वो बिल्कुल क्लीन रहेंगी और आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप साफ नहीं करेंगे तो ये फेंकने के काम ही आते हैं। और जो आपकी वॉल कलर की ब्रशेज होती हैं ये वाटर बेस्ड कलर होते हैं तो इन्हें हमेशा पानी से धोकर रखिए। चाहे वो आपके रोलर्स हों या ब्रशेज हों, हमेशा उन्हें साफ करके पॉलिथिन में ही पैक करके रखिए। अब देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने घर की वॉल्स को बिल्कुल सही करके रखती हूँ। घर में सीलन आना मेरे ख्याल से ये हर घर में कॉमन है। पेंट कराया था अभी मैंने 2 साल पहले और उसके कुछ दिनों बाद से ही घर में देखिए इस तरीके की पपड़ी आ गई, सीलन आ गई और अब इसे सही करना है। और ये तो हर घर में ही होता है और हम बार बार पेंट नहीं करवा सकते हैं और पेंटर को बुलाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसे देखिए सही करने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है वॉल पुट्टी। ये मैंने ली है JK वॉल पुट्टी जो कि वाइट सीमेंट बेस्ड होती है, बढ़िया है। आप बिरला की भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वॉल पुट्टी यूज़ करिए।
वॉल पुट्टी को का काम करने से पहले हाथों में ये ग्लव्स पहन लीजिए। मैं अपने गार्डनिंग के जो मेरे ग्लव्स हैं वो मैं ले आई, क्योंकि हमें इसे मिक्स करना रहता है। तो वॉल पुट्टी को हमें पानी में मिक्स करना रहता है और तभी हम इसे वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो अमाउंट है वो ऐसा मैं नहीं बता सकती, लेकिन जब आप पेस्ट बनाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना पानी इस वॉल पुट्टी में मिलाना है। तो इस पुट्टी को मैंने लिया और देखिए इसमें पानी मिलाया और अच्छी तरह से इसको मैंने घोल लिया। मतलब इसका हमें एक थिक पेस्ट बनाना है, और ऐसे पेस्ट बनाना है कि इसमें कोई भी जो है कोई भी इसमें लम्स ना रहें या गुठले ना रहें। तो देखिए इस तरह से ग्लव्स पहन के हमने इसका पेस्ट बनाया। पेस्ट थिक ही होना चाहिए, और ये सब काम जब मेरे घर में पेंटर्स आते हैं तब मैं सीख लेती हूँ उनसे। तो काफ़ी पहले जब ये मेरे घर में पेंट हुआ था तभी मैंने सीख लिया था ये काम, और तब से मैं अपने घर की अंदर में जो ये छोटे छोटे से टचअप्स होते हैं ये खुद ही करती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया एक थिक पेस्ट, और अब हमें इसे वॉल पे लगाना है। ये बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ जो भी ग्लव्स हैं उन्हें आप वॉश करके रख दीजिए, क्योंकि ये सीमेंट है इसमें थोड़ा सा तो जम जाएगा और ग्लव्स हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे। और अब इस वॉल पुट्टी को अब हमें लगाना है, और लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके की मेटल की पत्तियाँ आती हैं। ये आपको किसी भी पेंटर की शॉप पर मिल जाएंगी। ये 10 रुपीज़ की आती हैं, 5 या 10 रुपीज़ की आती हैं, और इनकी मदद से ही अब हम इस जो है पुट्टी को हम अप्लाई करेंगे वॉल पर। तो सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने मास्टर बेडरूम से, तो इसकी जो है पपड़ी छूटेगी तो पहले ही पेपर बिछा लिया, हालांकि बाद में बहुत पपड़ी छूटी। तो इस तरह से देखिए इस पपड़ी को हमें मेटल की पत्ती की मदद से हटा लेना है सारा। तो ये बिल्कुल निकाल लीजिए, जितनी भी निकाली जाए उतनी इसको निकाल लीजिए बाहर, और दीवार में कहीं पे भी फिर ये बचे ना, इस तरीके से खुरच दीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको। और जब ये निकल जाए अच्छी तरीके से तो इस पत्ती को लीजिए, 2 पत्ती हमें लेनी है, और देखिए पेस्ट की थिकनेस देखिए इस तरीके की है, और इस पेस्ट को अब हमें अप्लाई करना है वॉल पर। तो थोड़ा सा पेस्ट लिया हमने पत्ती के ऊपर और इसे अप्लाई किया उसी जगह पे जहाँ पे सीलन थी या जहाँ से हमारी पपड़ी छूटी है, उस जगह को भर देंगे इसी तरीके से हम पुट्टी से, और ये पूरी दीवार जो है देखिए प्लेन हो जाएगी इस तरह से। और बिल्कुल भी बाद में जब हम इस पे पेंट कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ कभी पपड़ी थी भी। बस कोई इसके लिए कोई कलाकारी नहीं चाहिए, कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, आप बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। इस तरह से सारी पुट्टी को जब हम इसमें भर देंगे तो ये दीवार पे से सीलन चली जाएगी। देखिए दीवार पे से सीलन कभी परमानेंट नहीं जाती है, लेकिन जब आप इस तरह से छोटे छोटे ये टचअप्स करते रहते हैं, दीवार को सही करते रहते हैं, तो जल्दी जल्दी पेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेंट कराना अपने आप में बहुत कॉस्टली पड़ता है और ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं कराया जा सकता। मैंने भी घर में करीब 2-2.5 साल पहले ही पेंट कराया है, लेकिन घर में सीलन की प्रॉब्लम पूरे ही घर में है, जिसमें दीवारें कई जगह से खराब हो गई हैं। और ये है देखिए दूसरा जो एक्वा कलर का बेडरूम है उसके साथ का जो ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गड्ढे और सीलन थी, यहाँ पर भी मैंने इसको लगा दिया। और इसके साथ साथ जो मेरा यूटिलिटी एरिया है, ड्राइंग रूम है, ऊपर का जो एरिया है उस पर भी मैंने इस पुट्टी को अप्लाई कर दिया। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप घर में खुद करिए, इसके लिए पेंटर को बुलाना और फिर उनसे करवाने का कोई भी लॉजिक नहीं बैठता है, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इस तरह से घर में जितनी भी जगह थी उन सब जगह मैंने पुट्टी लगा दी और छोड़ दिया। इसे करीब 1 दिन के लिए तो आप छोड़ दीजिए, गर्मियों में 7-8 घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं, और फिर सारी सफाई करने के बाद अब मैं करूँगी नेक्स्ट डे करूँगी बाकी का काम। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, अभी प्रेम नहीं आई है तो अब इस दीवार को देखा, देखिए सूख गया है ये पूरा, इस पे जो मैंने पुट्टी अप्लाई किया था। तो अब इसका हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अब हमें इसकी थोड़ी सी घिसाई करनी है सूखने के बाद। बिल्कुल अच्छे से ये सूख गई है, ध्यान रखिए कि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए, और इसे घिसाई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सैंड पेपर की। इस तरीके का एक रेगमार्क पेपर आता है,
अब घिसाई इसलिए करनी है कि पुट्टी अप्लाई करते टाइम देखिए इवन तो होती नहीं है, वो पुट्टी जगह जगह उसमें उबड़ खाबड़ सी होती है, उसको हमें एक लेवल पे करना है। तो एक लेवल पे करने के लिए अच्छी तरह से घिसाई करनी। देखिए घिसाई करी तो ये बिल्कुल हट गया, यहाँ से जो ये एरिया साफ हो गया, एक लेवल का हो गया। तो मैंने इस एरिया को बिल्कुल अच्छी तरीके से घिसाई कर दी। कपड़े थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने कल वाला ही सूट पहन लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गंदे कर देती हूँ पेंट करते टाइम, खासकर अपने कपड़े, हाथ ज़्यादातर कपड़ों से ही पोंछ लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से घिसाई करी मैंने अच्छी तरीके से इस वॉल की। और उसके बाद अब जब ये पूरा एक लेवल का हो जाएगा तो अब हमें इस पर पेंट करना है। तो देखिए यहाँ ये बचा हुआ पेंट ही काम आया, और जैसा कि मैंने बताया कि ये पेंट 2-2.5 साल से रखा हुआ है, और इस पेंट में थोड़ा सा पानी और मिला लिया, और पानी मिला के इसकी जो थिकनेस है, क्योंकि गाढ़ा सा हो गया था, गाढ़े हो जाते हैं, थोड़े से पानी मिला के इसको मैंने एक लेवल का करने के बाद ब्रश से या रोलर की मदद से इसके ऊपर पेंट कर दिया। और ये पूरी दीवार देखेगा, ये पूरी वॉल देखेगा बिल्कुल नई हो जाएगी। तो अब दिन भर घर में मैं आज यही काम करूँगी, सारी जितनी भी वॉल्स की पुट्टी सूख गई है उन सबको मैं सही करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा सही काम कर रही हूँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करिएगा। और पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी कि अगर आपके घर में भी ऐसी दिक्कत हो तो उसे सही ज़रूर करना है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।